दुनिया में कार की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। कार के शौकीन मर्सिडीज के बारे में तो जानते ही होंगे। मर्सिडीज दुनिया की महंगी कारों में आती है। आज हम आपको मर्सिडीज कंपनी की पुरानी गाड़ियां दिखा रहे हैं और ये कार इस वक्त स्टुटगार्ट के मर्सिडीज म्यूजियम में खड़ी हैं। हर कार की एक कहानी है। एक मर्सिडीज बेंज 190 SL 1950 के दशक में लोगों की ये ड्रीम कार थी। ये कार इस्माइली शासक करीम आगा खान, एक्ट्रेस ग्रेस केली और जीना लोलो ब्रिगिदा के पास थी। ये कार फ्रैंक कपर के सबसे मशहूर सेक्स वर्कर की थी, जिसका कत्ल हो गया था। वह इस कार से रात को निकलती थी अपने ग्राहक चुनने दो। मर्सिडीज बेंज 500 SL यह प्रिंसेस डायना की कार है, जो उन्होंने 1991 में खरीदी। लेकिन ब्रिटिश राज परिवार के लोग ब्रिटिश कारें ही इस्तेमाल करते थे, तो राजकुमारी द्वारा एक जर्मन कार खरीदने पर देश में हंगामा हो गया। तब डायना ने कार जर्मनी को वापस कर दी थी। डेमलर मोटर स्ट्रावागन 1892 ये कार मोरक्को के सुल्तान मौले हसन ने खरीदी थी। ये कार ईंधन से चलती थी और इस कार रखने वाले वे पहले राजा बने थे। चार मर्सिडीज बेंज रोडस्टर 1926 दिसंबर 1926 में उद्योगपति ऑस्कर हिंशल ने यह कार खरीदी। अफगानिस्तान के राजा के पास भी यही मॉडल था। पाँच मर्सिडीज बेंज 300 1959 संघीय जर्मनी के पहले चांसलर कॉनराड एडेनावर का ये आखिरी आधिकारिक वाहन था। 1963 में उन्होंने सरकार से इस कार को खरीद लिया और 1967 में अपनी मृत्यु तक चलाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।